cos 15। ओके, अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 sin A cos B क्या होगा? sin A plus B, right? Plus sin A minus B. यही ना? Same thing here. Yes. Same thing here. So sin A plus B plus sin A minus B. Okay. Now, so this is equals to half sin 18 plus 39 is 57. 57 plus sin minus minus 21. 21 plus sin 21 and plus sin minus 9. So, क्योंकि सबको ट्रिग्नो का फॉर्मूला अगर याद है, हम जानते हैं sin minus theta is minus sin 21. Minus sin is correct. So, because of this, minus sin 21 plus sin 21 cancelled. Now we have half sin 57 minus sin 9. अब हम लोग sin c minus sin d का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. Sin c minus sin d का फॉर्मूला. So sin c minus sin d formula is cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. ये 2 कैंसल्ड होगा. cos 57 plus 9 is 66 by 2 is 33. Sin 57 minus 9 is 48 by 2 is 24. 24. करेक्ट, यही प्रूव करना था. यस यस. तो अगर ध्यान देंगे तो वापस कुछ ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं थी, सिंपल वे से प्रोसीड करना था. फिर भी किसी को कुछ पूछ लेना है तो प्लीज पूछ लो. सर मैंने आरएचएस ले ली थी. के आरएचएस से उल्टा घूम घूम दे गई तो कितना लेंथी हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ. गुड, चलेगा. ठीक है, जब नहीं हुआ तो एक देखो. मैं बार बार यही बोलूंगा, ट्रिग्नो या मैथ्स में स्पेशली आप जब कई बार सम्स बार बार सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया आएगा. तो फिर ये अभी इस समय एज अ स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आपके मन में क्या आ रहा है कि सम सॉल्व होना चाहिए. लेकिन जब आप अच्छे से करने लग जाओगे तब आपके मन में आएगा कि भाई कौन सा मेथड से करूँ कि टाइम बचना चाहिए. ठीक है, तो आप उस फेज में जब जाओगे तब आपका दिमाग ज्यादा चलेगा कि टाइम बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली करो. दैट्स इट. सी, यहाँ पे इतना समझ लो, आपका अगर मैथमेटिकली करेक्ट है तो कोई इशू नहीं, आप कहीं से भी कुछ भी ट्राई कर सकते हो. नाउ फिफ्थ सम. फिफ्थ सम एलएचएस इज कॉस. यस सर, स्क्रीन ब्लर. सर बहुत ब्लर है. ब्लर है. अभी अभी ब्लर हो गया क्या? एक सम होने के बाद ब्लर हुआ? सर स्क्रीन शेयर करके कैमरा ऑन करके. Thank you.
एनी इम्प्रूवमेंट? नो नो सर नो सर ठीक है बिल्कुल नहीं हेलो नो सर cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 इस टाइप का एग्जाम हमने पहले किया हुआ ठीक है और वहां पे शायद किसी को याद नहीं आ रहा है अगर वर्ड कोई तो रिएक्ट करता साइन मल्टीप्लाई करना हां वहां पे हमने साइन मल्टीप्लाई किया था क्यों किया था उसका रीजन मैंने ये दिया था कि अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था अपने पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था कि जिसके वजह से हमें साइन मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना पड़ा सर डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 यस सर ऐसे भी हो सकता बड़े बड़े हां मैं हां मैं पहले क्या बोल रहा हूं वो ध्यान दो मैं कंपेयर कर रहा हूं उन दोनों सम में ठीक तो उस एक्सरसाइज में जब हमने सम सॉल्व किया था तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय साइन करके आगे बढ़ गए थे क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला नहीं था लेकिन यहाँ पे अगर आप सब लोग ध्यान दे रहे होगे अगर तो यहाँ पे कॉस इंटू कॉस का फॉर्मूला अब मेरे पास आ चुका है कॉस ए इंटू कॉस बी ऐसा फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है ठीक है तो क्योंकि कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला है तो इसके लिए मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि 2 cos a cos b इसमें अप्लाई हो सकता है 2 cos a cos b के लिए जैसे आप लोग बोल रहे हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 यस अब इसमें ये पार्ट जो है इस पार्ट में हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं 2 cos a into cos b का यस yes. एंड 2 cos a into cos b is cos a plus b plus cos a minus b cos a plus b plus cos a minus b सो हाफ cos A plus B. A plus B, that means 20 plus 40. 60. Plus cos A minus B. A minus B, that means 20 minus 20. 20 minus 40. Minus 20. Yes. Into. एक चीज देखो, इतने चार एंगल्स थे यहाँ पे. चार एंगल में से ये आपके पहचान वाला एंगल है. 1 by 2. ये 1 by 2. ये आपको मालूम होना चाहिए. Into cos 80 as it is. इसको हम लोग टच नहीं करेंगे तो क्योंकि ये सब प्रोडक्ट में है तो 1 by 2 into 1 by 2 में लिख सकता हूं 1 by 4 दिस इज नाउ cos 60 भी हो जाएगा हाफ वापस प्लस cos minus थीटा इज cos थीटा एज इट इज इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा into cos 80 बराबर है यस सर यस अब देखो अब मैं क्या करूंगा cos 80 को मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूं तो cos 80 को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 into cos 80 is cos 80 by 2 plus cos 80 into cos 20 बराबर है यस यस 1 by 4 अब क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा cos 80 plus 2 into cos 80 into cos 20 whole divided by 2 बराबर है yes yes so 1 by 4 into 1 by 2 ये 1 by 8 हो गया 1 by 8 cos 80 as it is अब मैं यहां जो देख रहा हूं ये जो 2 cos 80 into cos 20 हो गया that is 2 cos a cos b 2 cos a cos b is again same formula cos a plus b cos a plus b मतलब 80 plus 20 is 100 plus cos a minus b 80 minus 20 is 60 ठीक है yes yes sir. अब अगर आपका दिमाग अगर सही से चल रहा है तो इन दोनों में आप कोई ना कोई रिलेशन ढूंढ सकते हो कोई सोच पा रहा है cos 60 is half इसमें कोई प्रॉब्लम सर 180 minus 80 100 को लिख सकते हैं दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज कर सकते हैं 180 minus 80 cos 100 को लिख सकते हैं 180 minus 80 या तो यहां मैं चेंज कर सकता था
180 माइनस 100 दोनों में से किसी एक को चेंज करो तो अब हमें क्या मिल गया देखो 1/8 cos 80 एज इट इज Now this is cos pi minus theta. Cos pi minus theta is minus cos theta. Minus cos theta. Plus half. Cancelled. समझ में आ रहा है कुछ? Yes. Yes. क्या मिला? 1/8 × 1/2. That is 1/16. यही आपका आ रहा है सर. सही आधा करके रुक गई थी. अभी समझा क्या हुआ? Yes sir, समझा. एग्जैक्टली सेम वे से आपको नेक्स्ट सम भी ट्राई करना है साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 सेम इसी तरह से लेकिन वहां पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी इससे देखो फाइनल आंसर 3/16 भी है हेलो सर हां बोलो एक बार फोर्थ क्वेश्चन दिखाओ ना फोर्थ क्वेश्चन कौन आया इतना लेट आया क्या कोई हां मैं लेट जॉइन हुआ ठीक है आगे बढ़ूं हाँ सर ओके सो विद दिस फाइनली वी कैन से आवर फोर्थ एक्सरसाइज इज आल्सो ओवर जो फिफ्थ हमने अभी अभी किया है उसके बेसिस पे प्लीज सिक्स्थ ट्राई कर लेना सेम मेथड से सिर्फ फॉर्मूला देखो कौन सा यूज होगा क्योंकि साइन साइन में है तो 2sin A sin B का फॉर्मूला यूज होगा एंड एक और चीज सिक्स थोड़ा अच्छा समय किसी को समझा 2sin A sin B का कौन सा फॉर्मूला है अपने पास हेलो 2sin A sin B का कौन सा फॉर्मूला है अपने पास सिक्स सम के लिए cos A minus B cos A plus B राइट थोड़ा सा दिमाग लगाना नहीं तो जो ब्लाइंडली सिर्फ देख के कर चलते रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगा द फॉर्मूला इज एक्चुअल जो हमने डिराइव किया है वो है cos a plus b minus cos a minus b is minus 2 sin a sin b but the question is plus 2 sin a sin b इसका मतलब माइनस साइन शिफ्ट होगा तो वो हो जाएगा cos a minus b minus cos a plus b प्लीज थोड़ा सा इतना थोड़ा थोड़ा दिमाग को थोड़ा चलाना पड़ेगा ना तो कोई मीनिंग नहीं है राइट यस यस ठीक है वो ट्राई करना अब मैं 11th स्टैंडर्ड के बेसिस पे जो ट्रिगनो के लास्ट पार्ट है फार्मूला के मैं वहां जा रहा हूँ 11th स्टैंडर्ड के बेसिस पे लास्ट ट्रिगनो फार्मूला आज ट्रिगनो के आपके सारे फार्मूले खत्म हो जाएंगे अब जो मिलेंगे 12th मिलेंगे तो फार्मूला क्या है देखो इन एनी ट्राइंगल लेट्स से ABC वी ऑल नो दैट इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 कैमरा ऑफ हो गया हेलो यस सर यस तो देखो सो वी ऑल नो दैट इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना इतना तो पता है ना यस 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 सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 को मैंने पाई लिख दिया ठीक है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या दैट मीन्स ए प्लस बी इक्वल्स टू पाई माइनस सी यस यस या ऐसा लिख सकता हूँ बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई माइनस ए यस यस या ए प्लस सी इक्वल्स टू पाई माइनस बी बी यस राइट ठीक है अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे साइन कॉस टैन के लिए हम लोग इसके बेसिस पे फॉर्मूला ढूंढते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर साइन So if a plus b is pi minus c, therefore sine a plus b is equals to sine pi minus c. Sine c. Plus sine c. And sine pi minus theta, if you all remember, is sine theta. Sine theta. So मुझे क्या formula मिल रहा है? मुझे formula मिल रहा है for
any triangle, in any triangle ABC, sine A plus B will be equals to sine C. कुछ समझा? Yes. Yes. Same way, same way. Sine B plus C क्या हो जाएगा? Is sine A. Sine A. Sine A. And sine A plus C क्या हो जाएगा? Sine B. Sine B. Sine B. Sine B हो जाएगा. ठीक, so sine A plus B is sine C, sine B plus C is sine A, and sine A plus C is sine B. इसको देखो रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखोगे तो समझ जाओगे, तो रटना नहीं पड़ेगा, बराबर है? Yeah. अब अगर मैं सेम गेम खेलता हूँ cos के साथ, cos के साथ करता हूँ, तो cos A plus B equals to cos pi minus C. Now what is cos pi minus C? माइनस कॉस थीटा, राइट. सो माइनस कॉस सी, ये सबसे अच्छे से प्लीज ध्यान देना है. सो कॉस ए प्लस बी इज नाउ फाइनली माइनस कॉस सी. ठीक, साइन ए प्लस बी इज साइन सी, बट कॉस ए प्लस बी इज माइनस कॉस सी. ठीक है? हाँ. सो सिमिलरली व्हाट वी कैन से कि कॉस बी प्लस सी माइनस कॉस ए एंड कॉस ए प्लस सी माइनस कॉस बी इज माइनस कॉस बी. ठीक, देन अगर आप ट्राई करना चाहोगे तो टेन के लिए कर सकते हो कि टेन ए प्लस बी इज टेन पाई माइनस सी. नाउ व्हाट इज टेन पाई माइनस थीटा? माइनस टेन सी. माइनस टेन सी. Minus tan theta, yes. So therefore, tan A plus B is minus tan C. Tan B plus C will be minus tan A. Tan A plus C minus tan B. Minus tan B. ठीक, clear है, समझा सबको? Yes sir, yes. हाँ हाँ. अब इसके बाद देखो, इसके बाद बस अब ये formula group हो गया. अब last group में जा रहा हूँ मैं, सबसे last formula. Again, same thing. Since we all know that in any triangle, let's say ABC, A plus B plus C is pi. A plus B plus C is pi, that is 180. A plus B plus C is 180. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि same जो पहले किया मैं वही करने जा रहा हूँ. A plus B is pi minus C. या बोल सकता हूँ B plus C is pi minus A. And A plus C is pi minus B. बराबर है? Yes. वही चीज. अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें? Divide by 2 कर रहा हूँ. Divide by 2. 2 से divide कर रहा हूँ. ध्यान से देखो. इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई सोच पा रहा होगा तो समझ गया होगा. जैसे ही 2 से divide कर दिया, तो अब मैं अगर sine के लिए formula लेके आऊँ, sine के लिए formula. साइन ए प्लस बी बाई टू इज एक्चुअली साइन, डू रिमेम्बर दिस इज पाई माइनस सी बाई टू इज नथिंग बट पाई बाई टू माइनस सी बाई टू. यस यस कॉस सी बाई टू कॉस थीटा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. नाउ दिस इज लाइक साइन 90 माइनस थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा. यस. So now what we have is sine A plus B by 2 is cos C by 2. Sine A plus B by 2 is cos C by 2. Similarly, अब बोल सकते हो कि sine B plus C by 2 will be cos A by 2. Yes. Yeah. Yes. And sine A plus C by 2 is cos B by 2. Cos B by 2. B by 2. सेम गेम अगर मैं cos के साथ खेलूं तो cos a plus b by 2 will be what? sin c by 2. sin c by 2. sin c by 2. c by 2. very good, very good. so cos a plus b by 2 will be sin c by 2. तो sin है तो sin 90 minus theta के वैसे cos हो गया. अगर cos रहेगा तो cos 90 minus theta के वैसे sin हो जाएगा. सेम वे tan के साथ खेलेंगे तो tan 90 minus theta cot हो जाएगा. cot. क्लियर है सबको? किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो. यही फॉर्मूला सिर्फ समझना था. अब इसके बाद हम लोग लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ट्रिग्नो का. किसी को अब तक पे कुछ भी बोलना है, कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, शांत मत बैठो. हेलो
सर इसमें टैन नहीं है। टैन बोला ना बच्चा, कर सकते हैं ना। तू देख हम लोग जनरली क्या करते हैं, आप टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो हम लोग साइन कॉस टैन में खेलते हैं, लेकिन अगर बाकी ट्रिग्नो भी आप इसी तरह से अप्लाई करके देखो ना क्या मिलेगा, वो तो अपने हाथ में है। समझी कि नहीं मैंने क्या बोला? Yes, sir. कोई भी ट्रिग्नो यूज हो सकता है, ठीक है, तो वो ट्रिग्नो जो यूज होगा वो आप अपने हाथ में सेम, सिर्फ मेथड को समझो कि कैसे किया गया, उसके हिसाब से किसी को भी कर सकते हो। ठीक? Yes, sir. Yes. किसी को और कुछ बोलना है या मैं आगे बढ़ूं फिर सम सॉल्व करना स्टार्ट करें? Yes. ठीक है, चलो फिर आगे जाते हैं हम लोग। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस टॉपिक, फाइनली ट्रिग्नो खत्म होने को आया है। लेकिन जो लास्ट एक्सरसाइज है ऑनेस्टली बोलूं तो बड़ा ही बोरिंग, कुछ भी उसमें सोचने वाला पार्ट नहीं है, अजीब सा एक्सरसाइज है। सिंपल सा आपको एक सम अगर अच्छे से समझ गए कि वर्क कैसे करेगा तो हर एक सम, लगभग हर एक सम वैसे ही चलेगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करो और सम सॉल्व होता जाएगा, तो इसमें सोचने के लिए कुछ दिया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट सम सॉल्व कर रहा हूँ तो आप देखोगे समझना प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है, पहले ही कंडीशन दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज पाई, ये दे दिया है कंडीशन। और फर्स्ट सम है टू प्रूव दैट कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी टू शो इक्वल्स टू वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये हमें प्रूव करना है। हम लोग ले रहे हैं एल एच एस। सर आर एच एस में माइनस वन माइनस फोर कॉस ऐसा लिया। ओके ठीक है, थैंक यू, थैंक्स। क्या दिया है, अच्छी बात है तुमने बता दिया, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ रहेगा तो वो भी पकड़ में आ जाता है, थोड़ा आंसर मिलेगा ही नहीं। सो अब देखो, आप अगर सबके पास टेक्स्ट बुक होगा, अगर सबके पास टेक्स्ट बुक होगा तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5 9 6 7 8 अलग टाइप्स के हो जाएंगे, 6 7 8 को छोड़ दो, बट 1 2 3 4 5 9 सब में आप देखोगे कि एल एच एस में तीन ही टर्म्स हैं, बराबर है? Yes. Yes. Always in LHS we have only three terms, in which if you see 4th, 5th and 9th sum, 4th, 5th and 9th, to square दे दिया है, 3 जो है उसमें square नहीं है, simple है, जो अभी मैं solve करूँगा वही चीज़ है। तो कहने का मतलब है करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझ लो, हर एक स्टेप सम में एक ही चीज करना है। हमारे पास तीन टर्म्स हैं, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा, आइदर साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या दिया है उसके बेसिस पे फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, राइट? Yes. Yes. क्योंकि cos cos है plus sin है तो definitely we have to use cos c plus cos t formula. First two में, third को छोड़ दो, third की तरफ अभी देखने की जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो cos c plus cos d formula क्या है, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 प्लस कॉस टू सी एज इट इज, टू कैंसिल, ठीक है। अब देखो, अब हो जाएगा ये, हो जाएगा टू इंटू कॉस, अगर सबको समझ में आ रहा है तो यहाँ पे टू ए टू बी है, टू कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा कॉस ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, और यहाँ मिलेगा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस टू सी एज इट इज। अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी जो पढ़ा है उसके बेसिस पे यहाँ देखो फॉर्मूला यूज होते हुए आपको दिखेगा। cos a plus b in any triangle ABC,
since a plus b plus c is pi, so cos a plus b will be minus cos c. Minus cos. याद आया कि नहीं? Yes. अभी हमने देखा था कि cos a plus c यहाँ पे, तो cos a plus b is minus cos c, है ना? तो हर एक सम में यही गेम होगा, प्लीज समझो। पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई एक फॉर्मूला यूज करेंगे, आइदर साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी। फर्स्ट स्टेप वही होगा, जैसे यहाँ आएंगे तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, आइदर साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी या साइन ए प्लस बी बाई टू या कॉस ए प्लस बी बाई टू। अगर बाई टू आया तो वो वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा, यहाँ पे बाई टू नहीं है तो हमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देख रहे हो, 2 into cos a plus b is minus cos c. Hello? Yes. Cos a minus b as it is. इसको कुछ हम लोग टच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने फॉर्मूला यूज किया cos a plus b is minus cos c. अब थोड़ा सोचना, यहाँ क्या आ रहा है ना, यहाँ क्या आ रहा है, इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि इसका क्या करना है। थर्ड टर्म का हमेशा इन ईच एंड एवरी सम, तो यहाँ पे कॉस थीटा आया, कॉस थीटा है, यहाँ पे अपने पास कॉस टू थीटा है। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. अब आपको, क्योंकि ये कॉस टू थीटा है, अब आपको सोचना है कि कॉस टू थीटा का, याद करो चार फॉर्मूले थे, तो मुझे ये सोचना है कॉस टू थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो ये डिसाइड करेगा ये वाला टर्म। मुझे कॉस थीटा ही चाहिए, cos 2 थीटा है, मुझे cos थीटा चाहिए, तो cos 2 थीटा cos का थीटा cos square थीटा cos 1 वेरी गुड। तो हम लोग यहां फार्मूला यूज कर सकते हैं 2 cos square थीटा minus 1। एवरीवन प्लीज, यस कर दिया उनको समझा, जिन्होंने नहीं दिया वो भी याद करने की कोशिश करो मैंने क्या बोला अभी। यहाँ जो आप फॉर्मूला यूज करके आओगे, ये डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आने वाला है। अगर सपोज यहाँ पे साइन में आ जाता तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करता? 1 minus 2 sin square theta। अगर ये साइन रहता तो ठीक है, क्लियर है? Yes. अच्छा। अभी अगर आप लोग का थोड़ा सा दिमाग चल रहा है तो देखो, जो आर एच एस में मुझे माइनस वन चाहिए था, दिख रहा है? Yes. में माइनस वन चाहिए था, वो मुझे मिल चुका है। Yes. इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करने का, माइनस वन अपने जगह पे चला जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस वन, मैं पहले लिख रहा हूँ इसके लिए, ठीक है, लास्ट में लिखा हुआ है बट मैं माइनस पहले ले रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा, माइनस टू कॉस सी, कॉस ए माइनस बी प्लस टू कॉस स्क्वायर सी, बराबर है? Yes. अब देखो यहां से अगर आपको दिख रहा है, yes, माइनस टू कॉस सी कॉमन ले सकता हूं मैं, माइनस टू कॉस सी कॉमन ले सकता हूं, माइनस टू कॉस सी इज कॉमन। अब मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं माइनस टू कॉस सी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी, कॉस सी, यस, क्योंकि मैंने माइनस टू कॉस सी कॉमन लिया तो यहाँ प्लस का माइनस हो चुका है। हेलो, यस यस, सर कॉस सी को कॉस माइनस कॉस सी कैसे ले सकते हैं, कॉस ए प्लस बी। अब यहाँ से हमेशा इन एवरी यहाँ से फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में यूज होगा। रिवर्स ऑर्डर मतलब समझने की कोशिश करो, यहाँ से हम लोग ने क्या किया, कॉस ए प्लस बी इज माइनस कॉस सी, ठीक। अब मुझे यहाँ माइनस कॉस सी मिल रहा है तो माइनस कॉस सी के जगह पे लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, यस। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट जब घर में आप सम सॉल्व करोगे तो आपको समझेगा कि ये सारे सम एक ही जैसे हो रहे हैं, कुछ करना ही नहीं था। तो मैंने माइनस कॉस सी को रिवर्स ऑर्डर में फॉर्मूला यूज किया कॉस ए प्लस बी। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब किसी को याद आ रहा है तो ये फॉर्मूला अपने पास है,
cos a cos b cos a cos b is 2 cos a cos b बराबर ना yes sir is 2 cos a cos b so final answer we have now minus 1 minus 2 into 2 4 cos a cos b into cos c your RHS yes थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है बट जैसे ही दो तीन सम प्रैक्टिस करोगे तो समझेगा कि सारा सम एक ही जैसा हो रहा है समझा सबको यस यस आप सजेस्ट करो सेकंड थर्ड में से मैं कौन सा लूं सेकंड ओके ठीक चलेगा क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड में कॉस में ही दिया हुआ है ना यस चलो सेकंड लेते हैं LHS. अब देखो मैंने बोला पूरा प्रोसेस जो जो यहाँ जिस स्टेप में रिपीट हुआ है वही सेम चीज में सेकंड सम में करने वाला हूँ LHS we have sin A plus sin B plus sin C सिर्फ फर्क क्या आ गया यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होगा ठीक है अब देखो मैंने बोला फर्स्ट टू में हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो फर्स्ट टू में फॉर्मूला यूज करेंगे तो sin C plus sin D sin C plus sin D क्या होगा 2 sin A plus B by 2 C plus D by 2 cos C minus D by 2 C minus B by 2 C minus D by 2 sin as third term में प्रेजेंट नहीं करना रहे ठीक है we have sin a plus b by 2 तो in triangle abc sin a plus b by 2 क्या होगा याद है किसी को भूल गया माइनस cos c by 2 क्यों आएगा प्लस cos c by 2 cos c by 2 याद आया कि नहीं sin a plus b by 2 is cos c by 2 अभी हुआ था मेरे फार्मूला yes, ये देखो yes. हेलो नहीं दिख रहा फॉर्मूला कभी अभी एक्सप्लेन हुआ था नो नो क्या हो गया इतना देर चला फिर वापस गड़बड़ क्या हो गया by 2 is cos c by 2 का फॉर्मूला यूज किया ये एज इट इज अब मैंने जैसे यहां पे कहा था किसी को अगर याद आ रहा होगा तो ये जो आया है उसके बेसिस पे मैंने इसके लिए फॉर्मूला यूज किया था cos 2 थीटा का ठीक है हेलो यस यस अब इसकी क्योंकि yes. यहां पे cos c by 2 आया है तो कोई सोच के बोल सकता है कि मैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूं अब 2 sin c by 2 cos c by 2 sin 2 cos c by 2 very good yes 2 sin c by 2 cos c by 2 हमारा एक्चुअल फार्मूला sin 2 थीटा का है तो sin 2 थीटा इज 2 sin थीटा into cos थीटा बट यहां पे 2 थीटा नहीं है दैट्स मींस हाफ फार्मूला हाफ एंगल फार्मूला यूज होगा तो 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2 हेलो यस 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 Yes. अब देखो हमें कॉमन मिल रहा है 2 cos c by 2 2 cos c by 2 तो ये कॉमन ले लो जैसे ही 2 cos c by 2 कॉमन लोगे हमें मिलेगा cos a minus b by 2 plus sin c by 2 sin c by 2 ये मिल गया अब देखोगे तो जैसे प्रीवियस सम में किया था
हमें फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में लेके जाना है यहाँ से, cos a plus b by 2 है, ध्यान देना पड़ेगा sin a plus b by 2, हाँ sin c by 2 मतलब cos a plus b by 2। अब ये किसी को याद आ रहा है क्या है 2 cos a by 2 cos b by 2, इसको समझ के अच्छी बात है, जिसको नहीं समझा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्चुअली नहीं समझ जाना चाहिए, डायरेक्ट लिखेगा ही चलेगा, जिसको नहीं समझा उनके लिए मैंने ऐसा लिखा। तो अपना फॉर्मूला याद करो, जब हमारे पास था cos a minus b plus cos a plus b is to cos a cos b, तो यहाँ पे a के जगह पे a by 2 है, b के जगह पे b by 2 है, तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा ये मिल जाएगा हमें 2 cos a by 2 cos b by 2, 2 into 2 is 4, cos a by 2, cos b by 2, cos c by 2, your RHS। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप दोनों सम को अगर कंपेयर करोगे तो भी आपको समझेगा कि हर एक स्टेप सेम गया है, सिर्फ फॉर्मूला रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हुआ, राइट? यस। फिर भी मैं मानता हूं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो प्लीज जब घर पे अच्छे से उसको सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है? यस। इसको कुछ बोलना है या मैं एक सम और निपटाऊं, अगर दिख रहा है तो आप बोलो। यस सर। हाँ सर, वो cos c by 2 कॉमन लेने के बाद क्या किया है बताओ। मैंने पहले cos c by 2 कॉमन लिया, बराबर है, ये स्टेप। यस। तो यहाँ पे sin c by 2 बच गया, इतना समझा? यस सर। अगर sin c by 2 बचा, यहाँ पे मेरे पास cos a minus b by 2 है, तो जैसे मैंने इस सम में किया था, मैंने यहाँ पे रिवर्स फॉर्मूला यूज किया था, क्योंकि मुझे a b में चाहिए ये वैल्यू, अदरवाइज कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे भी सेम गेम खेला, sin c by 2 को मैं a b में लेके गया, तो sin c by 2 को a b में लेके जाएंगे, मतलब आप लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही चीज हो रहा है कि फॉर्मूला पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है, यहाँ से फॉर्मूला आया, देख ये फॉर्मूला यूज हुआ। हाँ, यस सर। ठीक, यहाँ से वो फॉर्मूला यूज करने के बाद फिर हम लोग कॉस कॉस में आ गए दोनों, ए बी में आ गए दोनों, अब हम ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का। yes. सिर्फ यहाँ पे डिवाइड बाई टू दिया गया है, इसका मतलब आंसर में भी टू आएगा। एग्जैक्टली अगर अच्छे से ध्यान दोगे, जब से मैंने ये ट्रिग्नोटॉपिक पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में ही गेम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी तो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? ओके, एक सम और सॉल्व करो। हेलो, दिख रहा है सबको? हेलो, कोई आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, यस। कोई बेशर्म आया ना तो बोलो। एक सम ले रहा हूँ मैं, फोर्थ सम ले रहा हूँ, स्क्वायर में दिया इसके वजह से। वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ये सम है LHS, हमें प्रूव करना है टू साइन ए साइन बी कॉस सी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सम किस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या दिमाग में आना चाहिए कि आप ध्यान दो, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो साइन सी प्लस साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी है, कॉस सी प्लस कॉस डी है, कॉस सी माइनस कॉस डी है, स्क्वायर के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, राइट? यस। हेलो, यस। फॉर्मूला बार बार प्रैक्टिस करो तो दिमाग चलना स्टार्ट हो जाएगा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। सो क्या करना है, सबसे पहले ये स्क्वायर को हटाओ, ये स्क्वायर को हटाओ, तो स्क्वायर को साइन स्क्वायर को हटाना है, तो याद करना पड़ेगा आपके पास फॉर्मूला क्या था, वन माइनस कॉस टू थीटा, याद करो, टू साइन स्क्वायर थीटा।
हाँ हाँ तो इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस टू ए बाय टू बाय टू, और साइन स्क्वायर बी के जगह पे वन माइनस कॉस टू बी बाय टू बाय टू। मैंने पहले ही कहा था थर्ड को हम लोग टच नहीं करेंगे, ठीक। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यस, ऐड कर सकते हैं, वन प्लस वन टू, माइनस कॉस टू ए माइनस कॉस टू बी होल डिवाइडेड बाय टू आएगा, बराबर है, यस यस। साइन स्क्वायर सी एज इट इज, साइन स्क्वायर सी एज इट इज। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टू बाय टू इज वन माइनस हाफ, ये हो जाएगा कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी, राइट, यस यस। हेलो, यस सर, यस। अब अगर आप में से किसी ने भी आरएचएस को ध्यान से देखा, आरएचएस को ध्यान से देखा, आरएचएस है टू साइन ए साइन बी कॉस सी, करेक्ट, वहां पे वन की कोई जरूरत ही नहीं है, वन की जरूरत नहीं है। अब देखो गेन क्या होगा, इसका मतलब वन हमें भगाना है, बट कैसे आगे देखते हैं, वन माइनस हाफ, ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा, टू कॉस टू कॉस सी प्लस टू ए प्लस टू बी बाय टू इनटू कॉस टू ए माइनस टू बी बाय टू, वेरी गुड, प्लस साइन स्क्वायर सी अभी भी एज इट इज, मैंने इसको कुछ नहीं किया, ये टू टू कैंसिल हो रहा है, अब हमें मिल रहा है वन माइनस कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, बराबर ना, प्लस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब देखो कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला यूज होगा, कॉस ए प्लस बी के लिए फॉर्मूला यूज होगा ना, हेलो, माइनस कॉस सी, माइनस कॉस सी, माइनस कॉस सी, कॉस ए माइनस बी। अब देखो क्योंकि यहाँ कॉस सी मिला है, तो अब हम सबको सोचना पड़ेगा भाई कि साइन स्क्वायर सी को क्या करूं कि कॉस सी मिलेगा, सर माइनस साइन स्क्वायर सी है ना, माइनस है सर, माइनस उधर, पक्का, यस यस, मेरे टेक्स्टबुक में प्लस दिया है तो अभी से प्लस है, रहे हो माइनस, प्लस है सर, किस माइनस है मेरे बुक में, हाँ माइनस होना चाहिए, मैं भी वो सोच रहा था कि अगर माइनस रहेगा तो ही जाके वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अब तक चेंज हो चुका होता, कुछ समझा मैं क्या बोला अभी, अगर ये माइनस है, समझा, माइनस साइन स्क्वायर सी, तो ये जो अपना वन माइनस साइन स्क्वायर सी हाँ ये गेम पहले हो जाता, तो अब मैं लिख सकता हूँ, देखो चलो अभी भी कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस सी, कॉस ए माइनस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर सी इस कॉस स्क्वायर सी, कॉस स्क्वायर सी, कॉस सी, सो इट मींस कॉस सी इज कॉमन नाउ, हमें मिलेगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी मिल रहा है, तो प्लस कॉस सी मिलने का मतलब समझा, हेलो अभी भी कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना, जरा ध्यान से देखो, नो अभी तक सब ठीक है, यस यस यस, ओके, यस सर, ठीक है ठीक है, हमें 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 मालूम है कॉस ए प्लस बी इज माइनस कॉस सी, माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी इज माइनस कॉस सी, दैट मींस प्लस कॉस सी क्या आएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, बराबर ना, यस, कॉस कॉस हमें क्या मिला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो आपका आंसर अब आ चुका है, फॉर्मूला अगर याद होगा तो दिस इज नथिंग बट टू साइन ए साइन बी, साइन बी, so the answer is 2 sin a sin b cos c, yes
मैं फिर भी मानता हूँ इतना करने के बाद भी कि कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन रहेगा, सो प्लीज अभी तुरंत ना, ये लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर फिजिक्स खत्म होने के बाद बैठो और ये सारे सम्स को आप धड़ाधड़ ट्राई करके सॉल्व करो। सर फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एंट्रेंस खत्म हो गया। ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स है। हाँ तो कल मुझसे मिस्टेक हुआ था, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखा था, वो ऑप्टिक्स है। ठीक यस यस आज ही जो है इसके, आज ही इसके रिमेनिंग